इसका प्रूफ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस तरीके से, इसका प्रूफ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फॉर्मूले पे मैं डायरेक्ट आता हूँ, जो कि आपके काम का है वो है ये यूलर्स मेथड, मैंने आप लोगों को बताया था कल की क्लास में। इसमें आप देखो वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू क्या है, वाई एन प्लस एच बाई टू एफ ऑफ एक्स एन वाई एन प्लस एफ ऑफ एक्स एन प्लस वन वाई एन प्लस वन स्टार। अब मैंने आपसे पूछा था एक्स एन और एक्स एन प्लस वन को इक्वल कर दूं और वाई एन प्लस वन को इक्वल कर दूं तो क्या होगा। सो वाई एन प्लस वन निकल दो, वाई एन प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स एन वाई एन वाइन, और ये क्या है, यूलर मेथड। यूलर्स मेथड। सिंपल सा मतलब है कि अगर मुझे इस इंप्रूव्ड यूलर मेथड को यूलर्स मेथड में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्स एन को एक्स एन प्लस वन के इक्वल कर दो, वाई एन को वाई एन प्लस वन स्टार के इक्वल कर दो, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो इसी में जस्ट इंप्रोवाइज किया है, यूलर्स मेथड को जस्ट इंप्रोवाइज किया है। तो क्वेश्चन देख लो, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके पास था dy by dx इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर वाई इक्वल टू वन एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो एक्स नॉट क्या है यहाँ पे, जीरो वाई नॉट क्या है, वन एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, एक्स एक्स प्लस वाई प्लस स्क्वायर वाई स्क्वायर। वेरी गुड। तो ये चीजें मैंने आपको बताई और ये सामने सामने क्लियरली दिख भी रही है। स्टेप साइज यहाँ पे दे रखा है, स्टेप साइज अपने मन से लिया है इसने, क्वेश्चन मतलब जो सॉल्यूशन किया है उसने अपने मन से लिया है, एच इक्वल टू 0.1 ये कहा नहीं है। और क्या कहा है उसने, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इक्वल टू 0.5। मतलब मुझे एक्स नॉट दिया हुआ है जीरो और 0.5 पे वैल्यू निकालनी है, मतलब विद स्टेप साइज 0.1। तो बताओ मुझे कितने अप्रोक्सीमेशन लगेंगे, फाइव 5 अप्रोक्सीमेशन। तो चलो शुरू फाइव करते हैं 5 अप्रोक्सीमेशन। देखो यूलर्स इंप्रूव फॉर्मूला में आपको यूलर्स फॉर्मूले की भी हेल्प मिलेगी, लेनी पड़ेगी। वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन प्लस वन बाई टू टाइम्स ऑफ एच मल्टीप्लाई बाई एफ ऑफ एक्स एन वाई एन प्लस एफ ऑफ एक्स एन प्लस वन वाई एन प्लस वन स्टार। जो ये वाई एन प्लस वन स्टार है वो यूलर्स मेथड का ही है फॉर्मूला। तो वाई एन प्लस वन स्टार इक्वल टू वाई एन प्लस एच इन टू एफ ऑफ एक्स एन वाई एन। इसका मतलब पहले मुझे वाई एन प्लस वन स्टार निकालना पड़ेगा, उसके बाद ये जो इम्प्रूव यूलर फॉर्मूला उसमें उसको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, तो फाइनली हमारे पास आंसर आएगा। ओके, एन इक्वल टू जीरो मैं सब्सटीट्यूट करूंगा, जब एन इक्वल टू जीरो सब्सटीट्यूट करूंगा तो यूलर से मुझे पहले वाई वन स्टार निकालना पड़ेगा। तो वाई वन स्टार हमारे पास आएगा ये, ठीक है, y1 स्टार इज इक्वल टू y नॉट प्लस h इनटू f ऑफ x नॉट y नॉट। f ऑफ x y आपके पास है x प्लस y स्क्वायर, x नॉट और y नॉट आपके पास है 0 और 1। यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दे, 0 प्लस 1 स्क्वायर मतलब 0 प्लस 1 स्क्वायर मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय h, h है आपके पास 0.1 मतलब 0.1 हो गया, प्लस y नॉट, y नॉट इज 1, 1 प्लस 0.1 मतलब 1.1। वाई वन स्टार आपके पास क्या आ गया, वाई वन 1.1। तो ये आपका वाई वन स्टार आया अकॉर्डिंग टू द यूलर्स, लेकिन अब हमें क्या यूज करना है, यूलर्स मॉडिफाइड। तो इसको हम अब यहाँ पे यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूले में ये जो फॉर्मूला ऊपर दिया हुआ है यूलर्स मॉडिफ इंप्रूव में, इसमें एन इक्वल टू क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे हम, जीरो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई वन इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच बाई टू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स वन वाई वन स्टार। वाई वन स्टार हमने जस्ट अभी निकाला है यूलर्स मेथड से, जो कि आया था 1.1। पर एक्स वन क्या होगा ये बताओ, एक्स नॉट प्लस एच एक्स नॉट क्या है, जीरो जीरो एच क्या है, जीरो पॉइंट वन एक्स जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट वन वन जीरो क्या हुआ, जीरो पॉइंट वन जीरो वन पॉइंट वन करेक्ट, 0.1। तो एफ ऑफ एक्स वन वाई वन मतलब एफ ऑफ एक्स वन वाई वन स्टार मतलब एफ ऑफ 0.1 1.1, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, एक्स प्लस वाई स्क्वायर। तो एफ ऑफ 0.1 1.1 क्या आ जाएगा, 0.1 प्लस 1.1 स्क्वायर।
तो आपके पास ये टर्म बना है नीचे, और इसके साथ साथ किसको ऐड करना था, एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट को। तो एक्स नॉट क्या है, 0, एक्स वाई नॉट क्या है 1, तो ये आ जाएगा 0 + 1 स्क्वायर। ठीक है, तो इन सबको ऐड करने के बाद इसको आप मल्टीप्लाई करो एच से, ठीक है, एच से सॉरी यहाँ पे एच से मल्टीप्लाई करो एच बाई टू से, फिर उसको सम कर दो किससे, वाई नॉट से। तो आपके पास फाइनली जो टर्म बनेगा वो क्या बनेगा, 1.1155। ठीक है, तो ये आपका वाई वन निकला है। ठीक है, एक्स ये यहां तक क्लियर है सभी को, इंप्रूव्ड यूलर्स मेथड से वाई वन कैसे निकाला। यस ओके, सर, अब ये जो फॉर्मूला है आपका, इसमें हमें क्या करना है, एन की प्लेस पे 1 सब्स्टिट्यूट कर देना है। जब एन की प्लेस पे 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, वाई टू इज इक्वल टू वाई वन प्लस एच बाई टू एफ ऑफ एक्स वन वाई वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू वाई टू स्टार। अब वाई टू स्टार कैसे निकालेंगे, यूलर से। वाई टू स्टार क्या होगा, वाई वन प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स वन वाई वन। ठीक है, तो वाई टू स्टार पहले निकाल लो, वाई टू स्टार तुमने निकाला तो तुम्हारे पास ये रिजल्ट आया। वाई वन क्या है, वाई वन जस्ट अभी आपने निकाला है यूलर्स मॉडिफाइड से, वो है 1.1155 प्लस एच 0.1 ऑलरेडी गिवन है, मल्टीप्लाई बाय एफ एफ ऑफ एक्स वन वाई वन। एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, एक्स प्लस वाई स्क्वायर। एक्स वन वाई वन क्या है, 0.1, और वाई वन क्या है, 1.1155। इसको जस्ट सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आपके पास ये आया है 1.2499। ये निकला है वाई टू स्टार। अब वाई टू स्टार निकलने के बाद, यूलर्स मेथड से निकलने के बाद, वाई टू मुझे इंप्रूव्ड यूलर से निकालना है। तो इस ये जो फॉर्मूला मेन फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में एन इज इक्वल टू, जब मैं 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो एन इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास ये फॉर्मूला बन के आएगा। ठीक है, जस्ट वैल्यू जो जो आपने निकाली है एज इट इज इसको सब्स्टिट्यूट करने जाओ। नई वैल्यूज इसमें क्या क्या है, वाई टू स्टार और एक्स टू। एक्स टू की वैल्यू क्या होगी, X1 प्रोसेसर हाँ एक्स वन प्लस एच। एक्स वन की वैल्यू क्या थी, 0.1। एच क्या है, 0.1। तो एक्स टू क्या होगी, 0.2 0.2, 0.2 0.2। तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे लिखा है 0.2। ठीक है, तो इसी तरह आपने वाई टू निकाला। ठीक है, फिर वाई थ्री के लिए एन इक्वल टू क्या सब्सटीट्यूट करोगे आप, टू मेन फॉर्मूले में। फिर वाई थ्री स्टार निकालोगे यूलर से, फिर वाई थ्री मॉडिफाइड यूलर से यूजिंग द हेल्प ऑफ वाई थ्री स्टार ऑफ यूलर्स मेथड। ठीक है, फिर सिमिलरली वाई फोर निकालोगे, वाई फोर स्टार निकालोगे, वाई फोर निकालोगे, देन वाई फाइव निकालोगे, और वाई फाइव ही आपका करेक्ट आंसर होगा जो कि 0.5 पे है। मैंने स्टार्टिंग में पूछा था कितने अप्रोक्सीमेशन लगेंगे, 5 अप्रोक्सीमेशन लगेंगे, क्योंकि 0 से मैंने स्टार्ट किया था, 0.1 पे सॉरी 0.5 तक जाना था विद स्टेप्स एच इक्वल टू 0.1। तो फाइनली आपके पास क्या हो गया, 0.5 पे एक्स वाई की जो वैल्यू है, एक्स इक्वल टू 0.5 पे जो वाई की वैल्यू है वो क्या निकली है, वाई फाइव, और वाई फाइव की वैल्यू है 2.2067। यही फाइनली आंसर है आपका, ये था सर आपके यहाँ पे तो पास। सर 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 यहाँ हाँ पे तो एज बताइए, की मेंशन नहीं है ना सर, तो हम 0.25 भी ले सकते हैं ना। बिल्कुल 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 ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसमें क्या है ना, तुम्हारे एरर आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। जब भी तुम बड़े बड़े इंटरवल लोगे, मतलब सब पार्ट्स सब इंटरवल जो तुम लेते हो, अगर वो कम लेते हो तो तुम्हारे एरर के ज्यादा चांसेस रहते हैं। और ये मैंने तुम्हें ट्रेपिजॉइडल के टाइम पे बताया था कि जब भी तुम इंटरवल ले रहे हो ना, उसका स्टेप साइज जितना छोटा रखोगे उतना ही यस एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। यहाँ पे अगर इंटरवल ज्यादा ले रहे हो, जैसे यहाँ पे मैंने 0.1 लिया, तुम 0.25 ले रहे हो, तो आंसर तो तुम्हारा 2 अप्रोक्सीमेशन में ही आ जाएगा, वाई टू ही तुम्हारा आंसर हो जाएगा उस हिसाब से। लेकिन जो तुम्हारा एरर होगा ना वो ज्यादा होगा, इसीलिए ना हम जो स्टेप साइज है वो कम लेते हैं। ठीक है, क्लियर है डाउट। यस मैं यस हमेशा प्रेफर करूंगा कम से कम 5 इंटरवल तो एटलीस्ट लो ही, मतलब 5 अप्रोक्सीमेशन आपको करना पड़े, उस हिसाब से
अप्रोक्सीमेशन लो, मतलब स्टेप साइज लो, उससे बहुत बेनिफिट रहता है। ठीक है, क्लियर। अब आपके पास सेकंड जो था इसके बाद है कि मॉडिफाइड यूलर्स मेथड। तो मॉडिफाइड यूलर्स मेथड को हम रंगे कुट्टा सेकंड ऑर्डर मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, इसका भी डायरेक्ट प्रूफ मैं बता चुका था किस तरीके से लाइन की इक्वेशन से ये बनती है। इसका फॉर्मूला जो है वो आपके पास ये है, वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स एन प्लस एच बाई टू वाई एन प्लस ये जो ऊपर वाला टर्म है न्यूमरेटर में एच इंटू एफ ऑफ एक्स एन वाई एन, ये टर्म आपका यूलर्स फॉर्मूले में है जिसको मैंने बोला था के वन, तो ये आ गया के वन बाई टू, मतलब एच इंटू एफ ऑफ एक्स एन प्लस एच बाई टू कॉमा वाई एन प्लस के वन बाई टू। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो क्योंकि इसका हेल्पफुल रहेगा ये जब आप रंगे कुट्टा मेथड करते हो तब। तो इस मेथड को भी देख लेते हैं। इसमें क्या है आपके पास, ये है वो क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स है, मतलब एफ ऑफ एक्स वाई आपके पास क्या है यहाँ पे, वन वन माइनस माइनस वाई वन, सर वन माइनस वाई। वाई नॉट क्या है, 0 सर एक्स नॉट, जीरो जीरो हाँ वाई नॉट और एक्स नॉट दोनों ही जीरो है, और एफ ऑफ एक्स वाई में एक्स तो है ही नहीं, केवल वन माइनस वाई ही है। और आपको बोला है रेंज 0 से लेकर 0.3 तक आपको वैल्यूज निकालनी है विद स्टेप साइज एच इक्वल टू 0.1। तो ऑब्वियसली ऑलरेडी मैं बता चुका कि 0.3 निकालना है, स्टेप साइज 0.1 दिया है, तो मुझे ऑलरेडी 0.1 0.2 तो निकालना ही पड़ेगा। विदाउट 0.1 वाई एट 0.1 वाई एट 0.2, मतलब वाई टू और वाई वन के वाई थ्री निकल ही नहीं सकता है, तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो उसने क्या किया, जनरलाइज यूलर फॉर्मूला, यहाँ पे यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला आपके पास दिया हुआ है, इसमें इसने क्या किया, एफ ऑफ एक्स वाई जो है, एफ ऑफ एक्स वाई क्या था, वन माइनस वाई, तो उसने वन माइनस वाई में इसको एक्सप्रेस कर लिया। तो वाई क्या है यहाँ पे, वाई एन प्लस एच बाई टू एफ ऑफ एक्स एन वाई एन, तो यहाँ पे उसने वन माइनस वाई की प्लेस पे क्या लिख दिया है, वन माइनस वाई, वाई की प्लेस पे आ गया आपके पास एच इंटू वाई एन प्लस एच बाई टू एफ ऑफ एक्स एन वाई एन। अब एच को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पहले तो सॉरी पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद एच से मल्टीप्लाई करोगे और फुल्ली ओपन कर दोगे आप इस ब्रैकेट को, तो आपके पास ये बन जाएगा। अब एच की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, एच की वैल्यू आपके पास क्या है, 0.1, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.1 डिवाइड बाय 2, वो क्वांटिटी आ जाएगी आपके पास 0.095। और साथ में आपके पास क्या है, 1 माइनस वाई एन प्रोडक्ट में है और एडिशन में वाई एन है। जब आप इसको वाई एन के टर्म्स को एक साथ ले लो और कांस्टेंट को एक साथ ले लो, तो आपके पास ये टर्म बन जाएगी। ठीक है, मतलब वाई एन प्लस वन जो है, ये जो वाई एन प्लस वन है, ये आपके पास क्या बन गया, 0.095 प्लस 0.905 वाई एन। ठीक है, अब सर और सिंपली एक इसको बार करना रिपीट कर कुछ नहीं। दीजिए। अच्छा ठीक है, देख लो, एफ ऑफ एक्स एन वाई, एफ ऑफ एक्स वाई क्या है ये बताओ, एफ ऑफ एक्स वाई क्या था, वन माइनस वन वाई माइनस वाई, और ये जो ये कंप्लीट आपका एफ ऑफ एक्स वाई है, जिसमें एक्स की प्लेस पे क्या है, एक्स एन प्लस एच बाई टू, और वाई की प्लेस पे क्या है, वाई एन प्लस एच बाई टू एफ ऑफ एक्स एन वाई एन। ठीक है, अब ये कंप्लीट फंक्शन जो है वो आपका वन माइनस वाई है, उसमें एक्स नहीं है, वन माइनस वाई है। तो इस एफ ऑफ एक्स वाई की जगह है, मैं क्या लिख रहा हूं, वन माइनस वाई, वन माइनस वाई, और वाई क्या है, वाई एन प्लस एच बाई टू एफ ऑफ एक्स एन वाई एन। यहां तक समझ आया, केवल मैंने फंक्शन की वैल्यू डाली है क्योंकि फंक्शन वन माइनस वाई है, तो वाई की प्लेस पे जो था उसको मैंने वन माइनस वाई की जगह रख दिया। यहां क्लियर है,
ये क्लियर है कि नहीं? सर। ओके, अब वन माइनस वाई के बाद करना क्या है, ये माइनस जो टर्म है, वन माइनस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, वन माइनस वाई एन माइनस एच बाई टू एफ ऑफ एक्स एन वाई एन, ठीक है। और यहां पे भी एफ ऑफ एक्स एन वाई एन क्या है, वन माइनस वाई एन, एफ ऑफ एक्स वाई क्या था, वन माइनस वाई है, यहां पे भी एफ ऑफ एक्स एन वाई एन की जगह क्या लिख दिया उसमें, वन माइनस वाई, और वाई की प्लेस पे क्या लिख दिया, वाई एन। ये क्लियर यस सर। है, ठीक। अब एच को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और वाई एन को भी साथ, वाई एन को वाई एन के साथ ले लो, तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा टर्म। क्लियर है? अरे नहीं समझ आ यस रहा सर। क्या, वन माइनस वाई एन माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एच बाई टू आएगा, तो वन माइनस एच बाई टू तो आ गया साथ में, और साथ ही साथ वन माइनस एच बाई टू इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों को कॉमन ले लिया उसमें, ऐसे समझ लो, वन माइनस एन मल्टीप्लाई करके देख लेना एक बार, अपने हैंड से एक बार करके देख लेना, नहीं आएगा तो पूछ लेना, मैं कहाँ जा रहा हूं। फाइनली आपके पास जो टर्म बना है वो ये बना है, ठीक। उस वाई एन को वापिस से, वाई एन लाइक टर्म्स को एक साथ ले लिया, कॉन्स्टेंट को अलग ले लिया, तो वो जो वाई एन प्लस वन है आपके पास ये बन गया, तो वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू क्या आ गया, 0.095 प्लस 0.905 वाई एन, ठीक है। यस सर। ओके गुड, तो एन इक्वल टू, अब क्या करना है आपको, क्या निकालना था, वाई एट 0.1, वाई एट 0.2, वाई एट 0.3 निकालना था, क्योंकि उसने रेंज दिया था 0 से लेके 0.3 का विद स्टेप साइज 0.1, एच इक्वल टू 0.1, तो 0 ऑलरेडी, वाई एट 0 गिवन था, 0 था, वाई एट 0.1 निकालना है आपको, वाई एट 0.2 निकालना है, वाई एट 0.3 निकालना है, तो सिंपली वो कह रहा है वाई वन वाई टू वाई थ्री निकाल लो, तो वाई वन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एन इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, तो एन इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास वाई वन, यहाँ पे ये हो जाएगा वाई वन, और यहाँ पे आ जाएगा वाई वन इक्वल टू 0.095 प्लस 0.905 वाई नॉट, और वाई नॉट क्या है, सर 0, तो ये सेकंड क्वांटिटी तो 0 हो गई, तो बचा क्या, वाई वन की वैल्यू क्या आ गई, 0.095, तो यहां पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, वाई वन निकल गया। अब मुझे क्या निकालना, वाई टू, वाई टू क्या होगा, वाई वाई टू मीन्स वाई एट एक्स इक्वल टू 0.2, मतलब एट एक्स टू, तो वाई टू के लिए क्या करेंगे, एन को क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, वन वन, तो आ जाएगा वाई वन, वो सॉरी वाई टू, वाई टू इक्वल टू 0.095 प्लस 0.905 वाई वन, और वाई वन की वैल्यू अभी जस्ट आपने निकाली है 0.095, तो इसको यहां पे सब्सटीट्यूट कर दो, तो 0.095 मल्टीप्लाई बाय 0.905, जो भी रिजल्टेंट आएगा उसको प्लस करना है किससे, 0.095 से, तो आपके पास वाई टू आ जाएगा, उसकी वैल्यू आपके पास आ रही है 0.180975। अब ये जो एंट्रीज आ रही है एक बार आप लोग चेक कर लेना खुद से करके, मेरा मोटो है आप लोगों को मेथड बताना कि किस तरीके से मेथड वर्क करता है। अब वाई थ्री निकालना है, वाई थ्री के लिए एन को क्या सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, टू टू, तो वाई टू सब्सटीट्यूट, एन इक्वल टू टू सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहां हो जाएगा वाई थ्री, ठीक है। वाई थ्री के बाद वाई थ्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0.095 प्लस 0.905 वाई टू, क्योंकि एन इक्वल टू टू सब्सटीट्यूट किया, और
एन इक्वल टू टू की वाई टू की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, जो कि आपके पास था 0.180975, उसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो वाई टू की वैल्यू, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, 0.180975 मल्टीप्लाई बाय 0.905, उसको ऐड फिर करना है 0.095 के साथ, तो आपके पास Y3 निकल जाएगा, और यही मुझे निकालना था। ठीक है, ये क्लियर हुए दोनों मेथड, यूलर्स मॉडिफाइड मेथड और यूलर्स ये इंप्रूव्ड मेथड, ये दोनों मेथड क्लियर हुए कि नहीं? Yes, sir. किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी। डाउट है किसी को? ठीक है, तो फिर मैं एंड कर रहा हूं आज का सेशन, 1 आवर से ऊपर ही हो गया। ठीक है।